हेलो फ्रेंड्स, लाइट ऑफ कॉमर्स चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है। मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक निकाला है सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स के लिए, TYBCOM के लिए। मॉड्यूल 1 से 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है रिकार्डियन थ्योरी, सेकेंड क्वेश्चन इज हेक्सर ओलिन थ्योरी, थर्ड इज ऑफर कर्व, ऑफ फोर्थ इज टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। नाउ मूव ऑन टू मॉड्यूल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 फ्री ट्रेड पॉलिसी, क्वेश्चन नंबर 2 प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप्स ऑफ टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स, क्वेश्चन नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स, क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज एशियन। नाउ मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 सबसे इजी मॉड्यूल है, उसके अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ना है। पहला इज स्ट्रक्चर ऑफ BOP, सेकंड क्वेश्चन इज कॉजेस ऑफ BOP डिसइक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 मेजर्स टू करेक्ट BOP डिसइक्विलिब्रियम, एंड क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज WTO एग्रीमेंट। WTO एग्रीमेंट के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है कि ट्रिप्स, ट्रीम्स एंड गैट्स, ये 3 अग्रीमेंट में से कोई 2 अग्रीमेंट दिए रहते हैं, 4-4 मार्क का लिखना रहता है, और दोनों भी अग्रीमेंट के अंदर पॉइंट्स जो आना चाहिए दैट इज पॉजिटिव इंप्लीकेशंस ऑफ ट्रिप्स एंड नेगेटिव इंप्लीकेशन ऑफ ट्रिप्स। लाइक ट्रिम्स में भी सेम वैसा ही पॉजिटिव इंप्लीकेशन, नेगेटिव इंप्लीकेशन, एंड गैट्स में भी वैसा ही लिखना है आपको, पॉजिटिव इंप्लीकेशन एंड नेगेटिव इंप्लीकेशन। नाउ दिस इज लास्ट मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल। क्वेश्चन 1 इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इसके अंदर हमें जो आंसर लिखना है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के फैक्टर्स लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 PPP थियरी, परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी, क्वेश्चन नंबर 3 स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, क्वेश्चन नंबर 4 आर्बिट्रेज, शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ इंडिया। ये 20 क्वेश्चन जो है 4 मॉड्यूल से वो तुमको पूरे 80 मार्क्स कवर करेगा। अगर 15 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, मतलब जो पहले दो दो क्वेश्चन आते हैं उसमें नहीं पूछा गया, तो शॉर्ट नोट में से तो इसमें क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन अच्छे से किया है तो मेरे हिसाब से आप इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स पेपर।